दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं जेठानी जी की नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नूतन कपड़े को तह लगाते हुए बड़बड़ कर रही थी। सामने बैठा नूतन का पति प्रफुल्ल सब सुन रहा था। पत्नी के गुस्से को देखते हुए प्रफुल्ल उसे बीच में रोकते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी जांची की रानी, आज किसने मेरी मल्लिका का मूड खराब कर दिया। प्रफुल्ल के इतना कहते ही नूतन के गुस्से का गुबार फूट पड़ा और जो भी था दिल में वो जुबा पर आ गई। फिर सिलसिलेवार ढंग से कहने लगी, सुबह की ही बात ले लीजिए, बड़ी जेठानी ने अपनी लंबी जुबान से इतना कुछ कह दिया और मैंने सिर्फ उनके सवालों का जवाब ही तो दिया था कि सासू माँ को मेरी बात पसंद नहीं आई और लगा दिया तानों का बहार। मैंने भी कह दिया, आपकी माता श्री से मैं कितना भी कुछ कर दूँ आप लोगों के लिए, पर आप मुझे कभी नहीं समझेगी माँ जी। फिर कपड़े को गुस्से से झटकते हुए कहती हैं, देखो जी मैं अब और एक सत के नीचे नहीं रह सकती, बहुत हो गया मेरा अपमान इस घर में। अरे आपकी भाभी दिन भर काम से नदारद रहती है, ऊपर से आए दिन उनकी किट्टी का ऑर्डर, मैं क्या उनकी नौकरानी हूँ जो बना बना कर खिलाती रहूंगी। खुद तो दोनों सास बहु बन ठान के बैठ जाती हैं और मैं पसीने से लथपथ रसोई में अपना खून सुखाती हूँ। इतना सब करने के बाद भी आपकी माता श्री पता नहीं क्यों मुझे कभी अपनी बहू माना ही नहीं, हर चीज में नुक्स निकालती रहती हैं। कुछ अच्छा भी करो तो भी बुरी तो मैं ही बनती हूँ, सारे घर का काम मैं करूं और नाम उस महारानी का होता है। हर आने जाने वालों के सामने बैठ जाती है अपनी मिट्टी मिट्टी गोली लेकर और बड़े बड़े चापलूसी के फंडे लेकर और लोगों को अपने इसी लिपा पोती वाले बातों से पोट लेती है और मैं बेसारी सब की जी हुजूरी रसोई में सिर फोड़ कर करती हूँ। फिर भी लोगों की नजर में मैं ही बुरी रहती हूँ, देखिए जी। अब मुझसे ये रोज रोज की जिक जिक बर्दाश्त नहीं होती, आप या तो मुझे छोड़ दो या इस घर को मुझे नहीं रहना इन सब के साथ, तब माँ जी को पता चलेगा जेठानी जी की मिट्टी मिट्टी गोली का अंदाज। और कुछ दिन में ही आपकी भाभी जी और माता श्री को आटा दाल का भाव पता चल जाएगा, तभी जाकर अच्छे और बुरे का फर्क कर पाएगी अपनी माता श्री।
पर फूल को भी पता था कि उसकी पत्नी उसकी भाभी से ज्यादा सब का ख्याल रखती है और जल्दी किसी के बातों का उल्टा जवाब भी नहीं देती, बस काम से काम रखती है। पर उसकी भाभी जो ही नूतन के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी, वो सबको दिखाने के हिसाब से मीठा मीठा बोलकर सबको अपने वश में कर लेती और जब काम की बारी आती तो अपने लंबे जुबान से नूतन को घायल कर देती थी ताकि नूतन को ही रसोई का सारा काम करना पड़े। जूही के इस अंदाज से प्रफुल्ल पूरी तरह से वाकिफ था। जब जूही की शादी हुई थी तब दो दो नौकर थे घर में जो सारा दिन घर का काम करते थे और भाभी जूही टांग पर टांग सड़ा कर लंबी लंबी बातें किया करती थी। पर जब से नूतन की शादी हुई है तब से मात्र एक काम वाली बाई है जो बर्तन झाड़ू पोछा करके जाती है और उसके अलावा सारे काम नूतन ही करती आई है, जो प्रफुल्ल को भी बुरा लगता था पर कभी हिम्मत नहीं हुई इस बात की सरसा करने की अपनी माँ के पास, क्योंकि माँ हमेशा ये बोल देती कि तू जोरू का गुलाम हो गया है। इस संकोच से वो कभी घर के मामलों में नहीं आता था पर अब रोज का किट किट प्रफुल्ल के लिए भी सिर दर्द बढ़ते जा रहा था। पर माँ बाबूजी को कुछ बोलना प्रफुल्ल ने अच्छा नहीं समझा, इसलिए उसने एक तरकीब निकाला कि क्यों ना अपनी जॉब पर ट्रांसफर ले लिया जाए बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए। प्रफुल्ल ने बिना एक दिन की देरी किए दूसरे दिन ही ट्रांसफर की अर्जी डाल दिया। एक महीने के बाद उसका ट्रांसफर नजदीक के शहर में हो गया। अब तो माँ भी रोक नहीं सकती थी नूतन को। नूतन को जब पता चला कि प्रफुल्ल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है तो वो खुशी से झूम उठी। दूसरी तरफ प्रफुल्ल की माँ और भाभी जूही का नूतन के जाने का दुख सता रहा था। अब तो जूही की बनी बनाई खूबसूरत मीनार ढहने वाली थी। वो सोच सोच के परेशान थी कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ जाएगी और उसका बनना ठानना सब खत्म हो जाएगा। जूही ने बहुत कोशिश की नूतन को रोकने की पर प्रफुल्ल ने ये बोलकर सब का मुंह बंद कर दिया कि अगर नूतन यहाँ रही तो उसके खाने पीने का क्या होगा और अगर खाना पीना अच्छा नहीं रहा तो वो बीमार पड़ जाएगा। इस तरह नूतन और प्रफुल्ल उस घर को छोड़कर अपने किराए के मकान में शिफ्ट हो गया और यहाँ जूही और
माँ का हर दिन तू मैं होने लगा। समय के साथ सासू माँ को भी नूतन और जूही में फर्क समझ आने लगा था, पर अब करती भी क्या जब सीढ़िया सूख गई खेत।